नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के 45वें एसपी के रूप में आलोक मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल और लोगों की समस्या सुनना और उनका निदान करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। थाने में हर आने वाले फरियादियों की फरियाद हर हालत में थाना अध्यक्ष को अब सुननी होगी। यदि जनता को लगे कि उनकी समस्याओं का थाना स्तर पर निदान नहीं हो रहा है तो सीधे हमसे मिल सकते हैं। थाने में बैठकर इलाकों पर नजर रखने वालों को अब खैर नहीं होगा। ठंड के समय में चोरी समेत अन्य तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में उन्हें नियमित गश्ती कर बेहतर पुलिसिंग दिखानी होगी। अपने कर्तव्य पर लापरवाही किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। प्राथमिकता जो है वो हमें पुलिस की हमेशा जो है वो क्राइम कंट्रोल रहती है, और उसके बाद यदि क्राइम होता है तो उसका डिटेक्शन हो, सही डिटेक्शन हो और उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो और अपराधियों को सजा दिला सकें हम लोग, यही प्राथमिकता होगी। उसके बाद शराबबंदी जो है वो हमारी प्राथमिकताओं में है, शराब के खिलाफ लगातार रेड हो और जो शराब पकड़ाती है उसका विनष्टीकरण हो और जो है हम लोग शराब के कारोबारियों पर जो है कार्रवाई करें। इसके अलावा जो है पुलिस की जो छवि है और वो अच्छी बनी रहे। जनता जो थानों में जाती है या हमारे कार्यालयों में आती है उनसे हम लोग सही से मुलाकात करें और उनकी समस्याओं को सुने और उसको सुलझाने का प्रयास करें। भूमि विवाद भी हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। भूमि विवाद जो समस्याएं हैं उसके कारण क्राइम बढ़ता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी फोरम है, चाहे वो थाना स्तर का फोरम हो या डीएसपी एसडीएम स्तर का फोरम हो या हमारे स्तर का हो, तो उस पर उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए और जनता को जो है वो हम लोग रिलीफ दें, उनको जो है इंस्टेंट जो है वो रिलीफ मिले और कोशिश करें कि किसी प्रकार से जो है वो आम आदमी पुलिस से जो है वो पुलिस के पास जब वो आए तो उसको जो है वो खुशी मिले और वो परेशान ना हो।